नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ओमराज। मुंबई के हॉन्टेड बंगलों का सच जानने और स्थानीय लोगों का डर खत्म करने के बाद आज हम एक ऐसे लोकेशन के किस्से कहानियाँ की सच की पड़ताल करने निकले हैं। इसके किस्से कहानियाँ इंटरनेट पर भरे पड़े हैं और इसी के लिए आज अभी हम मौजूद है सपनों की नगरी मुंबई की सबसे खौफनाक जगह में से एक, जिसका नाम है अरे मिल्क कॉलोनी। जी हाँ, इस कॉलोनी का ये जो रोड है, इस रोड को हम पूरे के पूरा आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। आरे मिल्क कॉलोनी का जो ये रोड है, इसकी दहशत की एक अपनी कहानी है जो बरसों से चले आ रही है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये मेन रोड है आरे मिल्क कॉलोनी का। इस तरफ भी देखिए आप, शाम ढलने के बाद यहाँ पाँव रखने पर भी पाबंदियाँ। आगे देख सकते हैं, हम लोग परमिशन लेकर आए, आगे पूरी पाबंदी लगी है वहाँ पर। हम लोग जो है प्रॉपर परमिशन लेकर आए हैं। सो ये जो रोड है, इसके एक अपनी कहानी है। और शाम ढलने के बाद ये जो आरे मिल्क कॉलोनी का मेन रोड है, ये पूरा के पूरा वीरान हो जाता है। और आज हम स्पेशल एक प्रॉपर परमिशन लेके इसे इन्वेस्टिगेट करने वाले। स्थानीय लोगों ने कई दावे, किस्से, कहानियाँ, अजीबो गरीब किस्से कहानियाँ हमें सुनाए हैं। और उनका जो मेन कंसर्न है, यहाँ पे जो कुछ बरसों पहले एक हादसा हुआ था, एक महिला की मौत हुई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया है कि वही महिला जो है इस रोड पर जो है लिफ्ट मांगती है। और लिफ्ट ना देने पर वो जो महिला है वो बाइक के साथ या फिर ऑटो के साथ जो है दौड़ती है, और जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती तब तक वो उसे अनजान तक ना पहुँचाती। अनजान मतलब मौत। जी हाँ, काफ़ी सारे यहाँ पे हादसे हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। किस किस कोई कोई लोगों की जो है हार्ट अटैक के कारण यहाँ पे अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। ये जो रोड है, शाम ढलने के बाद यहाँ पे पूरी वीरानी छा जाती है। मगर हमारा ये यहाँ आना और इस रोड और इसके पीछे का जो रहस्य, ये जानना ज़रूरी था। तो आज हम लोग ये तय करके आए कि हम लोग इस लोकेशन का डर जो है वो दूर कर सके। और यहाँ पे एक सेकंड डेंजर जोन जो है, यहाँ पे जो है 175 प्लस जो है लेपर्ड अटैक भी हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है शाम ढलने के बाद जो है लेपर्स जो है वो पानी की या फिर खाने की खोज में निकलते हैं। तो 175 प्लस टाइम्स यहाँ पे लेपर्ड अटैक्स भी हो चुके हैं, तो एक हमारे लिए चुनौती की बात होने वाली है। सो अभी समय हुआ है, जो दावे, जो किस्से कहानियाँ लोगों ने सुनाए हैं, जो हम लोग पढ़ के आए, उसे इन्वेस्टिगेट करने का। देखते हैं हमारा उस महिला के रूप से सामना होता है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सब चारों तरफ अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करोगे आरे मिल्क कॉलोनी के, तो बहुत सारे अजीब गरीब घटनाओं की जो है आपको आर्टिकल्स और बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आरे मिल्क कॉलोनी के बारे में। शाम ढलने के बाद यह पाँव रखने पर भी पाबंदी है, मगर आज हमें जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर एक परमिशन लेकर आए। उस महिला के रोग के कारण यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, कई सारी जाने गई है हार्ट अटैक के कारण या फिर लिफ्ट जो मांगती वो महिला उसके कारण काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई इस रोड पर।
आज हम जो वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर आयरन मिल कॉलोनी का जो मेन रोड है जहाँ पे हादसे हो चुके हैं वो प्रॉपर कंटेंट बना रहे हैं हम लोग। इससे पहले आपने कुछ वीडियो देखे होंगे बट वो जो है विदाउट परमिशंस के थे और छोटे छोटे क्लिप्स थे। और हम जो है आज प्रॉपर एक परमिशन लेकर आए हैं ताकि अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें। काफी वीरान हो जाता है रास्ता शाम में। काफी सन्नाटा है इस रोड का। लोगों के दावे किससे कहानी में जो है हर एक आवाज पे हमें जो है पीछे देखने के लिए मजबूर कर रही है। कोई भी अगर आहट आती है तो कुछ तो मुंबई की सबसे खौफनाक जगह में से एक आर एम एल कॉलोनी का जो डर आज दूर करने के लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अजीब सी हार्ट आ रही थी। अभी लोगों ने दावे भी किए कि इतने जगह में जो है वो अंजन साहिब पीछा करते हैं। कोई तो है ये अनजान रास्ते पर जो रात के घोपा अंधेरे में जो है खली बली पैदा करता है इस रास्ते पर और चाहे अनजाने में जो है अपनी मौजूदगी भी दर्ज करता है। क्या कोई है हमारे साथ यहाँ पर इस रोड के पास? हमने काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में कि आप लोगों से लीफ मांग कर जो है हम जानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर आप अभी भी हो यहाँ पर तो क्या आप इस मशीन के पास आ सकते हो? लोगों से काफ़ी कुछ सुना है हमने आपके बारे में। अगर आप हो यहाँ पर तो क्या आप आ सकते हैं मशीन के पास? हम जो है बस आपकी मदद करने आए हैं। क्या आप हो हमारे साथ अभी भी? अभी जो आवाज़ हुई क्या आपने की आवाज़ है? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने लोगों से। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है लोगों से। तो एक बार हमारे लिए इस मशीन के पास आ सकते हो, हम बस आपकी मदद करने आए हैं, आपके बारे में जानने आए हैं।
इस लोकेशन की सच्चाई कुछ भी हो, मगर अभी भी जो है लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सारा खौफ है इस लोकेशन का, और आसपास का जो पूरा इलाका है वो खौफ के साए में अभी भी। क्या कोई है हमारे पास? क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? कोई तो है यहाँ पर जो बार बार अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है? क्या आप फिर से कोई आवाज़ कर सकते हैं? ब्लर हो रहा है क्या? अगर कोई है यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि आप सामने आए हो हमारे। और अभी हम जो है वो जो आर्य मिल कॉलोनी का मेन हाईवे है उसके अंदर के एक छोटे से रास्ते पे आए। यहाँ पर भी बहुत सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो रिपोर्ट हुई है, तो इस छोटे से रास्ते को भी अपन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे ये रास्ता जो है और भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक लग रहा है, मगर रात में सच की पड़ताल के लिए रात में ही यहाँ आना ज़रूरी था। जो है आर्य कॉलोनी के जितने भी जहाँ पर भी जिस लोकेशन पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है पूरा के पूरा कोना हम लोग आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे कि ये जो एरिया है गोरेगांव फिल्म सिटी के पास में ही है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग मूवी की बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है और डेली होती भी है, बट शाम ढलने से पहले जो है यहाँ से पैकअप हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा लेपर्ड अटैक भी बहुत सारे हो चुके हैं और हाईवे के पास और ये छोटे वाले रास्ते पे जो है शाम ढलने के बाद जो है वो लेपर्ड जो है भूखे प्यासे जो है इस आसपास के एरिया में घूमते रहते हैं, तो इसका भी एक वो भी एक हमारे लिए आज चुनौती की बात लग रही है। अभी कुछ ही देर में जो है सवेरे होने वाली है और रात भर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा कुछ फील नहीं हुआ यहाँ पर, और हमारा जो मकसद है किसी तरह की स्थायी मान्यता को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोगों का डर दूर करना है
और आरएमएल कॉलोनी के बारे में जितना कुछ सुना था, जितने किस्से कहानी हमने लोगों स्थानीय लोगों से सुने थे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पर। यहाँ के जो किस्से कहानी है बस किस्से कहानी ही है। और रात भर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं लगा हमें यहाँ पर। सो आज के रोमांचकारी और रहस्यमय सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मोटिवेशन के लिए हमारे लाइक करते रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।